मेरे साथ हैं इस वक्त जैन चाट भंडार के ओनर सुधांशु। सुधांशु से हम बात करते हैं, जानते हैं जगह की खासियत के बारे में। सुधांशु, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि ये जैन चाट भंडार कब से है, मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई, कितने समय से ये दुकान है यहाँ पर? जैन चाट भंडार 5-6 सालों से हमारे पास है। यहाँ जो लोग भी आपके पास आते हैं, चाट के लिए आते हैं या शिकंजी के लिए आते हैं या फिर और कोई सा आइटम है जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं? मुख्यतः सर शिकंजी के लिए रुकते हैं यहाँ पर लोग, शिकंजी से ही शुरुआत हुई यहाँ की। और शिकंजी के बाद धीरे धीरे आइटम बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़ी। जैसे जैसे आज आप देखोगे मेनू कार्ड में जितना भी है, शिकंजी है हमारा, लस्सी है मेन फेमस आइटम जो है, टिक्की आलू चाट है, फ्राइड आलू और कुलचा, पाव भाजी, पनीर पकौड़ा, ये सब अपने आप में जो एक से एक बेहतर है। और हम किसी को भी ये नहीं कह सकते, प्रेफरेंस नहीं दे सकते कि ये स्पेशल है, सारा आपको स्पेशल लगेगा। किसी को चाट थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप वैसा बना देंगे, कम स्पाइसी चाहिए तो कम स्पाइसी बना देते हैं। हाँ, हमारे लड़के जो हैं कस्टमर से पूछ लेते हैं, सबका टेस्ट अपना अपना होता, अलग अलग होता, और जैसा टेस्ट बोलता है बंदा वैसे ही बन जाता। अच्छा, अगर हम अपने व्यूअर्स को एक आइटम को सजेस्ट करें तो जब भी कभी स्टोर से निकलें तो जैन चाट भंडार का एक आइटम ज़रूर टेस्ट करें, तो एक आइटम क्या होगा? सर इसके लिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेनू कार्ड में जिस बंदे को जैसा भी है हर चीज़ में स्पेशलिटी आपको मिलेगा, हर आइटम है आपको। और लस्सी शिकंजी आप टेस्ट कीजिए, मटर कुलचा टेस्ट कीजिए। कभी भी आप दिल्ली रोड पे निकलते हैं, दिल्ली से मेरठ की तरफ अगर आप जाएंगे, मोदी नगर में लेफ्ट हैंड साइड में आपको जैन चाट भंडार मिलेगा। जैन चाट भंडार की शिकंजी आप जरूर टेस्ट करें, आपको बहुत पसंद आएगी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार अग्रवाल। अच्छा अनिल जी, कहाँ रहते हैं आप? मेरठ में। अच्छा मेरठ में आप रहते हैं, तो यहाँ मोदी नगर आप शिकंजी पीने के लिए आते हैं? इधर जब भी हमको आना होता है शिकंजी वगैरह जरूर पी के जाते हैं। अच्छा। और इस रूट पे जब आएंगे तो बच्चे बोलते हैं कि पापा किधर जा रहे हो, हमने बता दिया मोदी नगर टूर पर जाना है। अच्छा। तो कहते हैं वहाँ से आप जो उस ये शॉप जो है थाने के बराबर जो जैन साहब हैं उनके यहाँ से आप हमको पाव भाजी पैक करा कर लाइएगा, और हमारी मैडम कहती हैं उनकी मिर्च का और पनीर का पकोड़ा बहुत टेस्टी लगता है, वो जरूर पैक करा के लेकर आइएगा। अच्छा। मैडम जी कहती हैं पकोड़े के साथ उनकी शिकंजी लेकर आइएगा, ये आपके सामने मैं इसको पैक करा के लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें आपने क्या क्या पैक कराया अभी? इसमें जो है मेरे पनीर के पकौड़े हैं, गोभी के पकौड़े हैं, और ये शिकंजी है और पाव भाजी है। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहाँ पे जो है कि हमको जो लगता है कि मेरठ तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टी मिलता है, बट यहाँ की प्योरिटी वगैरह को टेस्ट करने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ से अच्छा प्योरिटी हमारे यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए जब हम इधर आते हैं तो जरूर हम पैक करा के लेके जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप दिल्ली से मोदी नगर की तरफ जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जैन चाट भंडार मिलेगा। जैन चाट भंडार की टिक्की बहुत मशहूर है, इनकी शिकंजी बहुत मशहूर है, उसके अलावा इनकी पाव भाजी और इनके छोले कुलचे ये बहुत मशहूर हैं। आइए हम देखते हैं मोदी नगर में शिकंजी और चाट का कैसा जायका है। इस वक्त मेरे सामने इनकी एक मसाला शिकंजी है, मैं इसको टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ उसका जायका कैसा है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आलू टिक्की भी यहाँ की बहुत पॉपुलर है। मैं इसको देखता हूँ इसका कैसा जायका है। अगर हम चाट की बात करें
तो हमने दिल्ली के और दूसरी जगहों के मुख्तलिफ चाट के ज़ायक़े आप तक पहुँचाएँ। इस चाट के अंदर जो तो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी चाट बनाने वाले हैं वो सभी सेम तरह के मसाले इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मसाले का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो मैजिक कॉम्बिनेशन है, उससे चाट के अंदर जायका आता है, उससे उसके अंदर टेस्ट आता है। तो खासियत ये होती है चाट की कि जो अगर आप प्रॉपर प्रोपोजिशन के अंदर मसाले इस्तेमाल करेंगे तो उससे उसका चाट का जायका डेवलप होता है। काफ़ी सारा दही है इसके अंदर, चटनी है इसके अंदर, ग्रीन एंड रेड चटनी है, और साथ में कुछ उन्होंने इसमें चुकंदर के कटे हुए टुकड़े डाले हैं, चुकंदर के पीसेस में डाले हैं, बहुत उम्दा। अब मैं देखता हूँ पाव भाजी कैसी है। पाव बहुत ही फ्रेश है, सॉफ्ट है, थोड़ा सा बटर के अंदर इसको सेका हुआ है इन्होंने। इनके सारे आइटम्स के अंदर एक फ्रेशनेस का फील आ रहा है मुझे, बहुत ही फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। हमें बताया गया है कि इनके छोले कुलचे भी बहुत पॉपुलर हैं। मैं देखता हूँ उनका छोला कुलचा इसका कैसा जायका है। छोला कुलचा के साथ थोड़ा सा अचार है, हरी मिर्च है, कुछ ऑनियन रिंग्स हैं, छोटा सा सैलेड है। इन सारे फूड आइटम्स में जो हमने यहाँ पर टेस्ट किए, मुझे पर्सनली, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे इनकी जो टिक्की है, आलू टिक्की, उसका जायका बहुत अच्छा लगा। हासिल महफिल जायका मोदी नगर में जैन चाट भंडार का ये आलू टिक्की है। आप कभी भी दिल्ली से अगर मेरठ की तरफ जाते हैं मोदी नगर में, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ की आलू टिक्की ये ज़रूर टेस्ट करें, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा जायका। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और तलाश करते हैं मोदी नगर और मेरठ में कुछ और चटपटे मज़ेदार जायके। आप देखते रहिए सफ़र जायके का नेटवर्क 15 पर।